नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का एनजीटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। अभी हाल फिलहाल में 2020 और 2021 दोनों की एक साथ घोषणा करी गई है, तो दोनों के विजेताओं के बारे में तो हम लोग जानेंगे ही जानेंगे, साथ ही साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार का क्या रिकॉर्ड रहा है, क्या इतिहास रहा है, कब से शुरू हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, इन सबको हम लोग जानेंगे। तो पहले थ्योरी टाइप की होगी वीडियो और एंड में आपसे प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जाएगा। यकीन मानिए बहुत सारे क्वेश्चंस नए आपको मिलेंगे ही और आप लोग सॉल्व भी कर ले जाओगे प्रैक्टिस सेट में भी। तो पूरा डिटेल में वीडियो देखिए, पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, तो इसके बारे में आज आप जानने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने भारत रत्न वगैरह पर वीडियो बनाई हुई थी कि भारत रत्न मिलने पर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या दोस्तों सुविधाएं मिलती हैं, या भारत रत्न कब कैसे क्या दिया जाता है, सब कुछ उसमें डिटेल था। तो अगर वो आपने नहीं देखा वो भी देख लीजिएगा, ऊपर यहीं पर कार्ड छोड़ दूंगा, आप देख सकते हैं उसको भी। फिलहाल हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एमजेटी ऐप है हमारा, यहाँ पर आप बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स पा सकते हैं। किसी भी एग्जाम की आप क्यों ना तैयारी कर रहे हो, बहुत सारी ई बुक्स है हमारी, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। फ्री वीडियोज, फ्री पीडीएफ फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये सभी पीडीएफ फाइल भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार होता क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य का, लिटरेचर का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारतीय ज्ञानपीठ। देखिए ज्ञानपीठ हम लोग पढ़ते तो हैं ज्ञानपीठ, लेकिन देखिए स्पेलिंग इसकी देख लीजिए, JNANPITH, ठीक है, ये स्पेलिंग ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, आप याद कर लीजिएगा। इसमें दोस्तों 11 लाख रुपए मिलती है प्राइज मनी, पहली बार 1965 को दिया गया और अभी आखिरी बार रिसेंटली जो दिया गया है वो 2021 का दिया गया है। किसको मिला है? दामोदर मौजो को, ठीक है, इन सबके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहला विनर कौन है। तो पहला विनर देखिए जी शंकर ग्रुप को मिला था, यहाँ हाईलाइटेड पॉइंट है, अभी हम लोग जानेंगे अलग अलग करके। टोटल अभी तक 62 व्यक्तियों को मिला हुआ है, 62 व्यक्तियों को मिल चुका है। शुरुआत कब हुई? शुरुआत 1961 से हुई दोस्तों, 50वां जन्मदिन था शांति प्रसाद जैन जी का। एक साहू थे, साहू शांति प्रसाद जैन जी, इनकी 50वीं जयंती पर स्थापित किया गया भारतीय ज्ञानपीठ, ठीक है, ये संस्थापक थे और इन्होंने ही इसकी स्थापना की। पहले व्यक्ति जो जीते वो जी शंकर ग्रुप थे और स्थापना अगर पूछा जाए संस्थापना किसने की, तो संस्थापना की थी शांति प्रसाद जैन जी ने। इतना क्लियर है दोस्तों। 2012 तक तो 7 लाख रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन 2012 के बाद से इसकी प्राइज मनी बढ़ा करके 11 लाख कर दी गई, तो अब 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। 1965 में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला जी शंकर ग्रुप जी को, मलयालम भाषा के लिए मिला है, ये भी आप याद रखेंगे। सबसे पहला किस भाषा के लिए दिया गया? मलयालम भाषा के लिए, गोविंद शंकर कुरूप इनका पूरा नाम था, 1901 से 1978 तक ये जीवित रहे और इनको मलयालम भाषा के लिए दिया गया। देखिए दोस्तों अभी क्या है ना कि अभी शुरुआत में एक एक पुस्तक एक एक रचना के लिए दी जा रही थी, ये अवार्ड दिया जा रहा था। 1982 के बाद से क्या हुआ, जब यामा के लिए महादेवी वर्मा को मिला वही लास्ट था, उसके बाद से जब लेखकों को दिया जाने लगा साहित्य के लिए, तो उनकी जीवन भर की जो रचनाएं थी, जीवन भर का जो कंट्रीब्यूशन था उसके लिए ये दिया जाने लगा। तो अभी तक यानी कि 1982 तक आते आते क्या था, किसी एक रचना के लिए दिया जाता था, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए पहली अब पुरुष हो गए, पहली महिला जान लीजिए। पहली महिला विजेता दोस्तों 1976 में हुई आशापूर्णा देवी के रूप में। आशापूर्णा देवी जी को बांग्ला भाषा के लिए 1976 का मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्लियर है। तो ये पहली महिला बनी, पहली महिला पूछा जाए तो आप आशापूर्णा देवी बताएंगे। इसके अलावा अगर हिंदी का पूछा जाए, ये भी पूछा जाता है, हिंदी में पहला ज्ञानपीठ किसे मिला था, तो आप बताएंगे सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था, 1968 में मिला था, हिंदी भाषा के लिए मिला था और इनकी रचना चिदंबरा थी, चिदंबरा के लिए इनको मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को, क्लियर है, रचना भी पूछी जाएगी। इसके अलावा अब हम लोग बात करेंगे पिछले 4 साल की, पिछले 4 साल की तो हमारे ख्याल से काफी है, पिछला 4 या 5 साल का अगर आप इसको याद कर लोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई भी एग्जाम हो उसमें अगर पूछा जाएगा तो आराम से क्लिक कर जाओगे आप। 2017 में कृष्णा सोबती जी को दिया गया, इनको हिंदी भाषा के लिए दिया गया, कृष्णा सोबती जी को, ठीक है। इसके बाद अमिताभ घोष जी को मिला, अमिताभ घोष जी को अंग्रेजी भाषा के लिए मिला था, अंग्रेजी में पहला ज्ञानपीठ इनको मिला हुआ था। देखिए कितनी भाषाओं में दिया जाता है, ये अगर पूछा जाए तो आप याद रखेंगे 22 भाषाओं में, क्योंकि आप जानते हो ना हमारे भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में
आठवीं अनुसूची में क्या कहा गया है कि 22 भाषाएं होंगी, 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है, तो उन्हीं 22 भाषाओं को मान्यता मिली है, तो उन्हीं 22 भाषाओं में यह ज्ञानपीठ दिया जाता है। तो अंग्रेजी का पहला ज्ञानपीठ आकर 2018 में मिला, अमिताभ घोष जी को मिला है, ये आप याद रखेंगे, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। अच्छा एक बात और सीरियल भी याद रखते चलिए, 2018 में इनको मिला था 54वां, ठीक है 54वां मिला था, इनसे पहले कृष्णा सुप्ती जी को 53वां मिला था, तो 54वां ज्ञानपीठ भी अगर पूछा जाए तब भी आप बताएंगे अमिताभ घोष। इसके बाद 2018 के बाद 2019 आता है, 2019 में दोस्तों मलयालम भाषा के लिए मिला अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी जी को, किसे अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी जी को 2019 के लिए मिला, कौन सा हो सकता है 55वां, ठीक है 55वां इनको मिला, याद रखिएगा इनको 55वां मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और मैंने आपको क्या बताया कि अब जो है 1982 के बाद से लेखकों की पूरी लाइफ टाइम के कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाने लगा। इसके पहले क्या होता था, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में आपको बताया सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदंबरा के लिए मिला, महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला, रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए मिला था, तो पहले तो एक एक रचना के लिए दिया जाता था, जैसे बाकी पुरस्कार दिए जाते हैं ना किसी रचना के लिए वैसे ही दिया जाता था, लेकिन बाद में ये लाइफ टाइम के कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाने लगा। इसके बाद देखिए 2020, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 और 2021 की एक साथ घोषणा हुई है, तो अगर 2020 के लिए पूछा जाए तो आप गलती से 2021 वाला मत बता देना, 2020 के लिए नीलमणि फुकन जी को मिला है, असमिया राइटर हैं, असमिया भाषा के लिए इनको, इनके योगदान के लिए साहित्य में इनको दिया गया है नीलमणि फुकन जी को, ठीक है 2020 का के लिए दिया गया है, 2021 के लिए इसमें मत कर देना, 2020 और 21 एक साथ दिया गया है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि लोग गलती से कंफ्यूजन में आकर के 2021 वाले को 2020 बता दें, 2020 वाले को 2021, ये आपको नहीं करना है। 2021 के लिए दामोदर माउजो को दिया गया है, कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है, ठीक है। अच्छा कोंकणी भाषा और हिंदी भाषा यही दो भाषाएं हैं जो सबसे ज्यादा बार पाई हुई हैं, ठीक है ज्ञानपीठ पुरस्कार यही दो भाषाओं के लेखक, तो यहां पर देखिए दामोदर माउजो ये रिसेंटली इस बार 2021 के लिए इनको ज्ञानपीठ मिला हुआ है, इनको कौन सा मिला हुआ है 57वां, ठीक है सीरियल भी लिखते जाओ यहां पर आप लोग लिख दोगे 56वां, 2020 क्या हुआ 56वां, तो 56वां ज्ञानपीठ 2020 के लिए नीलमणि फुकन को, और 57वां किसे मिला है 57वां दामोदर माउजो को, और अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी जी को 55वां मिला हुआ है। क्लियर इतना, अब वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, तो हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट, ठीक है अब प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, तो इसकी शुरुआत कब से हुई 1961 में यह स्थापना किया गया, पहली बार जीता किसने जी शंकर कुरूप ने, जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ मिला, ठीक है मलयालम भाषा के लिए मिला था, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पहला ज्ञानपीठ किसे मिला, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया जी शंकर कुरूप को मिला था, ठीक है कब मिला था 1965 में मिला था, मलयालम भाषा के लिए मिला था, मलयालम भाषा के लिए मिला था। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार में किसकी मूर्ति दी जाती है, तो देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसमें वाग देवी की प्रतिमा दी जाती है प्लस 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं प्लस एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है वाग देवी की प्रतिमा होती है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो पहले तो 7 लाख दिए जाते थे लेकिन 2012 के बाद से ये 11 लाख कर दिया गया, ठीक है कब 2012 से, तो 11 लाख अब दिए जाते हैं। ओके अगला, हिंदी में पहला ज्ञानपीठ किसे मिला, तो हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था, किसके लिए मिला था चिदंबरा के लिए, ठीक है चिदंबरा इनकी रचना थी इसके लिए इनको मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को, पहली महिला कौन बनी थी आशापूर्णा देवी। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है, तो वो है आशापूर्णा देवी, इनको बांग्ला भाषा के लिए मिला था, बांग्ला भाषा के लिए मिला था, ठीक है कब मिला था 1976 में। ये सब चीजें याद रखिएगा, जो जो पॉइंट पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं वो सब मैं आपको बता दे रहा हूं। अगला, 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो 2018 में दोस्तों अमिताभ घोष जी को 54वां ज्ञानपीठ मिलता है, 54वां ज्ञानपीठ मिलता है और अंग्रेजी भाषा का पहला ज्ञानपीठ था ये। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो शुरुआत में मैंने आपको बताया कि 1982 में इनकी रचना थी यामा, यामा यामा के लिए इनको दिया गया, और इन्हीं के बाद से ये प्रथा खत्म कर दी गई कि भैया अब से कोई एक रचना के लिए किसी को नहीं दिया जाएगा, अब से कोई भी लेखक होगा राइटर जो होगा उसको उसके लाइफ टाइम के अचीवमेंट के लिए, लाइफ टाइम के कंट्रीब्यूशन के लिए, उसके योगदान के लिए, साहित्य में योगदान के लिए ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है किसी एक रचना के लिए नहीं दिया जाएगा।
तो 1982 में महादेव वर्मा जी को लास्ट बार मिला था यामा के लिए। ठीक है, अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 22 भाषाएं हैं आठवीं अनुसूची में, तो इसीलिए 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। अगला, रामधारी सिंह दिनकर को किस महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको दोस्तों उर्वशी के लिए, किसके लिए? उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, कब मिला था? तो 1972 में मिला था। कब? 1972 मिला था उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी के लिए ही, ऑब्वियस सी बात है, हिंदी के राइटर थे। क्लियर है? तो ये तो थे दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चन ज्ञानपीठ से, और उसके पहले हम लोगों ने थ्योरी के माध्यम से भी सीखा जानना। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगी। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, कम से कम 5 दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप स्टेटस लगाने की, ठीक है? व्हाट्सएप स्टेटस लगा लोगे तो वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो चलिए, इसकी क्विज भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको MZT ऐप डाउनलोड करना होगा, वहां से मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पर भी कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कोई नोटिफिकेशन आता है, सबसे पहले यहीं पर भेजा जाता है। तो आप टेलीग्राम जो है इसको ज्वाइन करके रखो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे, ठीक है? कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। आपको जाना है सिंपली टेलीग्राम ऐप ओपन करके MZT एजुकेशन टाइप करके सर्च करना है और ज्वाइन कर लेना है ग्रुप। चलिए बस, फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलते हैं दोस्तों अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।